ये पास तो भाई ये होती है देसी चक्कियां जिनको बोलते हैं हम यहाँ। गाइस आई एम अक्षय, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अक्षय व्लॉग्स 21। तो कैसे अपने भाई लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सो गाइस आज बहुत ही दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अमेजिंग सीन दिखाता हूँ। तो पहले आप मेरे पीछे का व्यू देख लो। तो गाइस सामने देखो, बहुत ही अच्छा व्यू एकदम आ रहा। तो वो सामने के पहाड़ देखो कितने सही वाले लग रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बादल आ गए हैं। बाकी का आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है, ज़रा सा भी बादल नहीं है यहाँ पे। और उधर साइड तो बादल आते रहते हैं क्योंकि भाई थोड़ा पीछे का एरिया, यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा रहती है और उस वाले पहाड़ पे अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ़ बची हुई है। तो गाइस यार व्लॉग में पूरे बने रहना और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी सामने का गाँव देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा और ये हमारा गाँव है, ये तो मैंने काफ़ी बार बता भी दिया वीडियो में। बाकी यार वो भी गाँव कितने अच्छे लग रहे हैं, आज बिल्कुल धूप है, बिल्कुल साफ़ मौसम है। कम से कम तो भाई 8-10 दिन के बाद मौसम साफ़ हुआ है। बाकी अभी भी नीचे ज़मीन पूरी गिली है क्योंकि भाई अभी कंटिन्यू 2-3 दिन बारिश हो रही थी यहाँ पे। बाकी मैंने बाहर से पता किया अपने दोस्तों से, तो चंडीगढ़ बाकी अदर जगह पे भी बिल्कुल साफ़ मौसम रहता है, हर दिन गर्मी बहुत हो गई है। तो यहाँ पे तो भाई अभी भी ठंड है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। अभी मैंने जैकेट वगैरह लगा लिया, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। 2 hours later तो गाइज फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं चक्की के पास। तो भाई ये होती है देसी चक्कियां जिनको बोलते हैं हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं घराट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे देसी चक्कियां और यहाँ से जा रहा है पानी, ये पीछे खड़ से लगाया गया है। और ये नीचे वाला जो है ये भी चक्की है और ये भी चक्की है, ये पता नहीं किसी बंदे की है। तो अभी मैं यहाँ पर आ रखा हूँ तो आपको दिखाता हूँ अंदर क्या सीन होता है, कैसे मतलब आटा पीसता है यहाँ पर। तो पूरा आज इसमें बताऊँगा यार, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को फुल वॉच करना। बाकी देखो यहाँ पे आटा पीस के रखा है किसी ने और ये भी रखा है और ये देखो आटा पीस रहा है यहाँ पे। तो भाई इसके अंदर जो है मक्की या गेहूँ जो है इसके अंदर डालते हैं और वहाँ नीचे से ये जो नीचे देख रहे हो यहाँ से निकलता है गेहूँ या मक्की और इस छोटे से डिब्बू के अंदर जाता है और पीस के सीधा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं किया होगा तब भी बताना यार। तो हिमाचल प्रदेश में आओगे तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको, नाले में जाओगे कहीं अरे परे देखोगे तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पुराने जो लोग होते थे उन्होंने सब कुछ बनाया, ये पत्थर का होता है, ठीक है, और ये लकड़ी का बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर अभी मक्की डाली गई है और नीचे पिस रहा है ये। तो गाइस देख ही लो आप यहाँ पे, और यहाँ से पूरा झाड़ू मार के ये साफ़ करके इसको बैग के अंदर डालेंगे। और ये जो पीस चुका है देखा, ये देखो ये पीस चुका है अभी आटा, बिल्कुल पतला पतला हो गया है। ये मक्की का भी किसी ने लगाया है, बाकी ये भी मक्की का किसी का पीस के यहाँ पे बोरू में पैक है। तो ऊपर से दिखाता हूँ मैं पानी किस तरीके से आता है, किस तरीके से नीचे चलता है ये। तो देखो ये होती है चक्की, ठीक है, इसके ऊपर पिसता है अंदर जो मैंने दिखाई, ये भी पिस रहा है, इसी के ऊपर पिस रहा है ऐसा सा पत्थर अंदर। तो गाइस यहाँ से जो पीछे से पानी आता है, A few moments later.